वेलकम टू दी 36 वीक ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जैसे कि वुल्वरीन का रिटर्न, जोकर का नया सेट वीडियो और आशीष चंचलानी ऑन अवेंजर्स 4। इसलिए पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले न्यूज है रॉकेट और ग्रूट को लेकर। जैसा कि मैंने पिछले नडी न्यूज में बताया था कि डिज्नी की नई स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस के लिए कई नए एमसीयू के शोज बन रहे हैं, एंड इस वीक ऐसे रूमर्स आए हैं कि इन्हीं शोज में से एक रॉकेट और ग्रूट का शो भी होगा, जिसमें हमें ये दो कैरेक्टर्स कैसे मिले और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहले इनकी क्या स्टोरी थी हमें दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है मार्वल के नए नोवेल से। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मार्वल स्टूडियोज एक नया नोवेल रिलीज करने वाले हैं, जिसमें कि थानोस और टाइटन की स्टोरी दिखाई जाएगी। तो इस बुक को रिलीज कर दिया गया है और ये अमेज़न पे अवेलेबल है, आप सब चाहें तो खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक छोटा सा अपडेट है सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर डेविड अयर की तरफ से। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया कि पहले सुसाइड स्क्वाड जस्टिस लीग से कनेक्टेड थी और हमें मूवी में स्टीफन वुल्फ और पैरा डेमन्स भी दिखने वाले थे। उन्होंने ये बोला कि इनिशियली स्टोरी में इंचेंट्रेस मदर बॉक्स के कंट्रोल में थी एंड स्टीफन वुल्फ इन सब के पीछे था, बट किसी अननोन रीजंस की वजह से ये स्टोरी चेंज करनी पड़ी। अगला भी एक छोटा सा अपडेट है कैप्टन मार्वल से। तो इस मूवी का ऑफिशियल पोस्टर तो बहुत पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इस वीक इस पोस्टर को चाइना में रिलीज किया गया, जहां इसमें एक स्लोगन लिखा था, लॉस्ट पास्ट मेमोरीज ट्रैप्ड पावर्स गेन्ड इज दिस मी। एंड इस स्लोगन से हमें मूवी के प्लॉट का सेंटर पता चलता है। इस मूवी में मे बी कैप्टन मार्वल अपने पास्ट को याद करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट अपडेट है सोनी की तरफ से। तो सोनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अपने आने वाली दो मूवीज का रिलीज डेट। एक है जुलाई 10, 2020 एंड एक है अक्टूबर 2, 2020। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी भी स्पाइडरमैन से जुड़े कैरेक्टर्स के होंगे। एंड यहाँ मेरा गेस ये है कि एक मूवी मॉर्बियस की होगी, जिसमें हम जैरेड लीटो को लीड में देखने वाले हैं, एंड एक वेनम का सीक्वल होगा जिसमें हम कार्नेज को देख पाएंगे। अगला एक फन फैक्ट है जो कि ह्यूज जैकमैन ने दिया। उन्होंने रिवील किया कि डायरेक्टर ब्रायन सिंगर, जिन्होंने एक्समैन की मूवीज डायरेक्ट की हैं, वो किसी भी कास्ट को कॉमिक्स पढ़ना अलाउ नहीं करते थे एंड सेट पे कॉमिक्स लाना भी बैन था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि कास्ट को इन कैरेक्टर्स का ज्यादा आइडिया ना लगे और वो प्रॉपरली डायरेक्ट कर पाए। तो एक तरह से एक कमाल का फैक्ट है एंड ह्यूज जैकमैन ने ये बताने में बहुत देर कर दिया। नेक्स्ट एक सेट वीडियो है जोकर की मूवी से, जिसमें हमें वो गॉथम सिटी के पुलिस से भागते दिखता है, आप सब खुद देख लो। अगले कुछ प्रमोशनल आर्ट्स हैं कैप्टन मार्वल से, जिसमें हम इस कैरेक्टर का कॉमिक्स एक्यूरेट लुक देख सकते हैं, जिसमें क्लासिक हेलमेट और मोहॉक भी है। नेक्स्ट अपडेट है डेडपूल 3 से। अब पहले दो पार्ट्स इतना सक्सेसफुल रहे हैं कि थर्ड पार्ट बनना ऑब्वियस है, लेकिन इस डेडपूल फ्रेंचाइज में वीजल का रोल करने वाले एक्टर टीजे मिलर ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो डेडपूल 3 में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये दिया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ पुलिस केसेस चल रहे हैं, जिसके वजह से प्रोड्यूसर्स उन्हें मूवी में नहीं इंक्लूड करना चाहते। अब अगले कुछ अपडेट वुल्वरीन से रिलेटेड हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो को क्रिएटर ऑफ डेडपूल रॉब लाइफील्ड ने ह्यूज जैकमैन को एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ह्यूज जैकमैन को कहा कि वो बड़े स्क्रीन पर वापस वुल्वरीन के कैरेक्टर में रिटर्न करें। सारे फैंस डेडपूल और वुल्वरीन को एक साथ देखना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स में इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी तो मूवी में कैसी लगेगी। एंड इसी पे रिस्पांस देते हुए ह्यूज जैकमैन ने ये कहा कि वो फिलहाल वुल्वरीन के कैरेक्टर के लिए नहीं लौटने वाले, भले ही वो दूसरे सुपर हीरोज का रोल कर लेंगे, बट अभी वुल्वरीन और डेडपूल एक साथ किसी को नहीं दिखने वाले। एंड इसी पे मजाक करते हुए रायन रेनॉल्ड्स ने उन्हें सेल्फिश बोला है। एक तरह से कुछ फैंस के लिए ये सैड न्यूज है, बट अगर आप ह्यूज जैकमैन की तरह सोचें तो कोई भी इंसान एक ही रोल को 15 साल से ज्यादा प्ले नहीं करना चाहेगा। आप सबकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज का सबसे फाइनल अपडेट है आशीष चंचलानी और अवेंजर्स 4 को लेकर, और ये बहुत फनी भी है। तो ये तो सबको पता है कि आशीष भी हमारी तरह मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं। एंड लास्ट वीक ये रूमर आया था कि अवेंजर्स 4 का ट्रेलर फ्राइडे को आने वाला है, भले ही मैंने ये बात अपने इंस्टाग्राम पे रिवील कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड इसी से रिलेटेड आशीष ने कुछ स्टोरीज इंस्टा पे डाली। देखो भाई, आज डेट क्या है, 23rd नवंबर। मैंने सुना था आज एवेंजर्स 4 का ट्रेलर आने वाला है और मैं सुबह से वेट कर रहा था उसका, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ट्रेलर नहीं आया। मुझे मार्वल वालों से पूछना है भाई, एवेंजर्स 4 का ट्रेलर कहाँ है, किधर है एवेंजर्स 4 का ट्रेलर, वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर? पिक्चर आ भी रही है या क्लाइमैक्स के दुख में आप पिक्चर शूट ही नहीं की? इधर मैं नाखून की जगह उंगलियां चबा रहा हूँ, कब आने वाला है? मम्मी मेरे को एक बात बता, एवेंजर्स 4 का ट्रेलर किधर है? अरे मुझे क्या पता? नहीं, मेरे को पता है तेरे पास है, तूने कबड में रखा है जैसे मेरी टी शर्ट रख देती है। नहीं, मेरे को एवेंजर्स 4 का ट्रेलर चाहिए। मम्मी वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर? मम्मी वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर? इसके बाद उन्होंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया
जिसमें सब मार्वल इंडिया से अवेंजर्स 4 का ट्रेलर मांग रहे थे। एंड फाइनली मार्वल इंडिया की तरफ से ऑफिशियली रिप्लाई भी आया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बट इसके बाद भी कोई सेटिस्फाइड नहीं था, तो आशीष ने अनाउंस किया कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर? देखो सब लोग, परसों को मैंने एक हैशटैग चालू किया था, वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर, एंड आप लोगों की वजह से इंस्टाग्राम और ट्विटर पे वो हैशटैग काफी वायरल हुआ। मैं इस चीज को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि इंडिया में जितने भी मार्वल फैंस हैं वो वीडियोस पोस्ट करें ऑनलाइन। मुझे चाहिए आप ये हैशटैग यूज करो, हैशटैग वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर। आप उसमें मार्वल के प्रॉप्स यूज करो, इन्फिनिटी वॉर के डायलॉग्स यूज करो, आप अपनी एक्साइटमेंट दिखाओ, और मुझे चाहिए कि वो सारे फैंस के वीडियोस मार्वल तक पहुंचे। लास्ट ईयर जब इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, मार्वल ने खुद एक कंपाइलेशन वीडियो की डाली थी फैंस की एक्साइटमेंट की। मुझे चाहिए अब वो वीडियो इंडिया से जाए, इंडिया के फैंस का पावर पता चले। सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दिस, वीडियो डालो, एक्साइटमेंट दिखाओ, यूज द हैशटैग वेयर इज द एवेंजर्स 4 ट्रेलर। गाइज वी कैन डू दिस, लेट्स डू दिस, ऑल हेल मार्वल नॉट हाइड्रा। तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बड़ा प्लान है वो मोस्ट प्रोबेबली उनके और मार्वल इंडिया के बीच कोलैबोरेशन होगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल पे ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको नडी न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड और अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, इसलिए मुझे वहाँ फॉलो करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नट टॉक्स का लास्ट एपिसोड देखने के लिए ऊपर क्लिक करें और मार्वल के नए टीवी शोज के बारे में जानने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।